रहे हैं। चलो ठीक है, देखो आपको हम पढ़ा क्या रहे सर, आपको पढ़ा रहे बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस इन ऑर्गेनिज्म। आप लोग के बुक में हेडिंग होगा अध्याय सुन, ठीक, मतलब जो ऑर्गेनिज्म मैं बोला उसमें बाबू सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है ना, जैसे मछली में कैसे होता, आदमी में कैसे होता, यही सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग के बाबू क्या है बाबू, हम लोग किस में पढ़ रहे हैं, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, कुत्ता बिलाई में नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है ना जी, प्लांट में बाबू ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसका अलग मेकानिज्म है, आदमी का बाबू हम लोग का अलग है ना, एनिमल्स का अलग मेकानिज्म है। तो हम लोग किसका पढ़ रहे हैं सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस आदमी में, इसमें आदमी में ह्यूमन में है ना। तो ह्यूमन में जब बाबू सबस्टांस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो बाबू जो बॉडी हमारा जो ऑर्गन बाबू है ना, सबस्टांस को बाबू एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में बाबू है ना इन्वॉल्व होता, वैसे बॉडी का जो सिस्टम है, जो 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 हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। जैसे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, खाना खाएगा, तो खाना बाबू कहाँ कहाँ से होकर जाएगा, बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन से होकर पास होगा, तो उसमें डाइजेशन में जो सिस्टम जो ऑर्गन इन्वॉल्व रहेगा उसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे। सांस लेते हो, सांस लेते हो तो सांस में हमारा कौन कौन सा बाबू ऑर्गन इन्वॉल्व है, तो उसको रिस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे है ना। उसी प्रकार बाबू खाना पीना खाया पिया पचाया, तो पचाने के बाद बाबू जो एनर्जी मिलेगा, हमारे हाथ में यहाँ एनर्जी जाना चाहिए ना जी, ये हाथ ऐसे ऐसे हो रहा, तो ये इसको बाबू हाथ को एनर्जी मिलेगा तब ना बाबू ऐसे ऐसे होगा, नहीं तो बाबू नहीं एनर्जी मिलेगा तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, ऐसे कैसे होगा है ना, ये हाथ ऐसे ऐसे है, आशीर्वाद कैसे देगा बाबू, तो इसको एनर्जी चाहिए, तो इसको बाबू एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए बोला हमारे पास क्या बाबू है ना, एनर्जी को कैरी करने के लिए क्या है, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, उसी को क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व बाबू, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में बाबू हम लोग का जो बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व बाबू, पहला क्या है, ब्लड है, सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या बाबू, ब्लड है ना। दो नंबर पे क्या बोला आपका बाबू, ब्लड वेसल्स है, कल बताए थे। दो नंबर पे क्या बाबू, ब्लड वेसल्स है ना, मैंने ब्लड को ले जाने के लिए बाबू पाइप जिसको कह सकते हो है ना, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा कौन सा पार्ट है, अब ब्लड जाएगा तो अपने से जाएगा कैसे, उसके लिए मोटर चाहिए ना जी, ब्लड अपने से तो बाबू जाएगा नहीं, नीचे से मान लो पेट में बाबू एनर्जी, दिमाग में जाना, तो नीचे से ब्लड ऊपर कैसे फ्लो होगा, ब्लड क्या लिक्विड होता, तो लिक्विड फ्लो बाबू हमेशा ऊंचाई से नीचाई की ओर, हाइट से लो की ओर जाएगा, जैसे घर में पानी वगैरह, तो ऊपर से पानी गिराओगे तो नीचे आएगा, नीचे से पानी ऊपर नहीं जाएगा, तो नीचे से पानी ऊपर जाने के लिए क्या लगाते हो, मोटर लगाते हो, तो उसी प्रकार बाबू हमारे बॉडी में बाबू नीचे में जो ब्लड है वो ऊपर कैसे जाएगा, तो मोटर हो, तो मोटर क्या है ऋषभ बाबू, आपका हार्ट है, हार्ट मेरा क्या करेगा, मोटर का काम करेगा, क्या करेगा, मोटर का काम करेगा। तो अभी हम लोग ब्लड के अंदर, अभी क्या है, ब्लड है, इसको खत्म करेंगे, फिर ब्लड वेसल्स आपका आर्टरीज या वेन्स के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हार्ट का धक 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 वाला पढ़ेंगे है ना, कैसे काम करेगा, ठीक, इतना ही है ना, इतना पढ़ लोगे है ना बाबू, आपका 8, 9, 10 सब कंप्लीट है ना। तो ब्लड में बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे बाबू, ब्लड में आपको आरबीसी पढ़ा दिया भोला ऋषभ बाबू, ब्लड में क्या पढ़ा दिया, डब्ल्यूबीसी पढ़ा दिया कल बाबू है ना, डब्ल्यूबीसी क्या करता है बाबू, जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह है उसको क्या करता है, किल करने का काम करता है ना, फाइट करता बाबू, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, सोल्जर ऑफ क्या कहते हैं बाबू, बॉडी कहते हैं ना, बॉडी का सोल्जर कौन है, डब्ल्यूबीसी। आगे क्या बाबू, प्लेटलेट्स है, आगे क्या है, प्लेटलेट्स है, तो प्लेटलेट्स का बाबू दूसरा नाम क्या होता है, उसको बाबू थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बोसाइट कहेंगे है ना। तो ये फंक्शन क्या है सर, ब्लड में बाबू प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट है, आरबीसी भी प्रेजेंट है, सारा ब्लड के अंदर है, तो आरबीसी बाबू आपको क्या करेगा, आरबीसी भोला बाबू एनर्जी को ऑक्सीजन को बाबू है ना क्या करेगा, इन्वॉल्व करेगा है ना, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाकर कैरी करेगा, आरबीसी है ना भोला। आपका बाबू डब्ल्यूबीसी क्या करेगा बाबू, मान लो ऑक्सीजन लेके जा रहा है बाबू, बीचे में बैक्टीरिया मिल गया, हाथ के बीचे में बैक्टीरिया आ गया, कहीं से नहीं आ सकता, वो खाना खाया उसमें बाबू पानी पूरी खाया है ना, बैक्टीरिया खा लिया, नहीं हो सकता, ठीक, कहीं कट गया बैक्टीरिया आ गया है ना, नहीं हो सकता, तो वो बैक्टीरिया आगे बहुत आपको बीमार कर देगा, फिर डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, बैक्टीरिया को बाबू किल करेगा, ढिसुम 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 करेगा है ना, ठीक। अब बाबू कहीं कट गया, मान लो चाकू से कट गया, अब बैक्टीरिया घुस गया, तो जैसे कटेगा भोला तब ब्लड क्या निकलेगा, बाहर निकलना गब 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 है ना, एकदम तुरंत, अभी यहाँ से काटोगे बहुत तो तुरंत ब्लड क्या होगा, बाहर निकलेगा, तो ब्लड अब बाहर निकल रहा बहुत, तो उसको क्या चाहना चाहिए, बाहर निकलने से रुकना चाहिए, अगर बाहर निकले निकल रहा बहुत, अगर वो नहीं रुकेगा तो 5 से 10 मिनट में आपके बॉडी का सारा ब्लड खत्म है ना, फिर राम राम है ना, आरआईपी हो जाएगा आपके बॉडी से बाबू, 5 से 10 है ना, अगर आप एक नस काटो छोड़ दो है ना, अगर वो क्लॉटिंग नहीं होगा
तो 5 से 10 मिनट में बाबू सारा का सारा बड़ी है ना, बड़ी का ब्लड बाबू आपका बाहर निकल जाएगा, फिर आपका बाबू RIP हो जाएगा। ठीक, तो ब्लड को बाबू जो आपको बाबू है ना, ब्लड बाबू हाथ कट गया बाबू, तो ब्लड को बाबू बाहर निकलने से रोकना है, तो बाहर निकलने से जो रोकेगा भोला उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स कहेंगे। मतलब प्लेटलेट्स मेरा क्या करता है बाबू, ब्लड को बाबू थक्का जमने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बस समझो। ब्लड प्लेटलेट्स मेरा क्या करे बाबू, जो भी ब्लड है कहीं कट गया तो बाहर निकलेगा, तो वो बाबू बाहर निकालने से रोकने के लिए बाबू ब्लड को क्या कर देगा, थक्का कर देगा। थक्का मतलब ब्लड को क्या करेगा, जमा देगा। आप लोग का कभी हाथ पैर कटा होगा तो देखना बाबू गणेश, है ना। तो प्लेटलेट्स क्या करता है बाबू, ब्लड क्लॉटिंग पे में है ना बाबू आपको हेल्प करेगा। अगर आपके बॉडी में बाबू ब्लड प्लेटलेट्स नहीं होगा तो सर, ब्लड लेकिन क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग से तो हार्ट अटैक भी आ जाता है। ब्लड क्लॉट, हाँ भोले अब बताएंगे आगे। आप मान लो बाबू ब्लड थक्का जम गया, और वही ब्लड बाबू आपके बाबू वेंस में चाहे आर्टरीज में थक्का जम गया, तो अंदर बाबू मान लो अंदर जो आपका बाबू आर्टरीज है उसमें अगर ब्लड क्लॉटिंग हो गया तो फ्लो नहीं होगा। अब फ्लो नहीं होगा बाबू तो वहां पे बाबू आपका हार्ट अटैक वगैरह का पढ़ेंगे, उसमें वो आपका हार्ट वाला में है ना, हार्ट वाला में डिस्कस करेंगे, है ना। पहले यहाँ पे बाबू है ना, पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो प्लेटलेट्स सर, बाबू, प्लेटलेट, डेंगू में भी मेरे प्लेटलेट्स अच्छा आ रहे हैं सब, आ रहे हैं डेंगू मलेरिया सब। डाउन। प्लेटलेट्स बाबू क्या, अच्छा ठीक, प्लेटलेट्स को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, थ्रम्बोसाइट। WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट। RBC को क्या कहते हैं, इथ्रोसाइट। सारा नाम याद रखना है ना। तो प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे, थ्रम्बोसाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रम्बोसाइट कहेंगे। इसका फंक्शन क्या है सर, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। मतलब आपके बाबू हाथ पैर कट जाता है बोला तो देखोगे थोड़ा देर के बाद ब्लड क्या होता है, जम जाता है। तो ब्लड जब जम जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं ना, उसी को हेमोस्टेसिस कहते हैं, ब्लड मीनिंग लिखाए थे, उसी को कोगुलेशन कहेंगे। ठीक ठीक वो ये करता कैसे बोला, कैसे करता वो, तो इसका भी आपको वीडियो दिखाते हैं। मान लो बाबू कैसे होता है, कहीं पे कट गया तो, कट गया तो बाबू तो यहाँ पे मान लो नस कट गया, तो जो ब्लड है बोला उसमें आपका WBC भी है, RBC भी, प्लेटलेट्स भी, तो जैसे कट गया वो तो सिग्नल जाएगा, हवा के प्रेजेंस में आएगा, तो वहां पे जो प्लेटलेट्स है बाबू क्या करेगा है ना, कटेगा तो वहां पे चारों तरफ क्या करेगा, एक बाबू जाली नुमा क्या करेगा, स्ट्रक्चर्स बना देगा, है ना। जाली जाली देखते ना, मच्छरदानी नहीं देखे हो जी, है ना, मच्छरदानी नहीं देखते बाबू, उसी तरह से, जैसे इस तरह से बाबू जो प्लेटलेट्स है ना, जहाँ पे कटा अभी बता रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं अच्छे से आपको समझ में आए, इस तरह से जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना देगा। अभी यही जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना दिया तो इसमें WBC आके क्या होगा, फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा, और WBC जब आके स्टक हो गया बाबू तो बाहर नहीं निकलेगा, है ना। जब बाहर नहीं निकलेगा तो आपका ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया, थक्का हो गया, तो बाहर निकलने से बच गया, और बाहर निकलने से बच गया भोला तो आपका बाबू क्या हो गया, जिंदगी बच गया, है ना। तो वही है, तो वही लिखा हुआ है, फिर बाकी अभी वीडियो दिखा रहे हैं समझ में आएगा अच्छे से। वेन एवर देयर इज बाउंड इन द बॉडी बाबू, जब आपके बॉडी में बाबू कोई कट लग गया, जैसे घाव हो गया भोला, म्यूट कर दिए है ना, तो ब्लड कम आउट बाबू आउट ऑफ इट, प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन द ब्लड बाबू रिएक्ट विद बाबू एयर टू फॉर्म ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, है ना। ब्लड जैसे बाबू, अच्छा जैसे ब्लड में बाबू आपका हाथ में बाबू घाव वगैरह हो गया तो प्लेटलेट क्या करेगा, एयर से रिएक्शन करेगा, एयर से कंबाइन होकर कैसे कैसे करेगा आगे बता रहे हैं। कंबाइन करके बाबू क्या करेगा, यहाँ पे थक्का जमा देगा, है ना, यहाँ पे जैसे ऐसे रियल कर कर थक्का जमा दिया। अब थक्का जमा देगा बाबू तो यहाँ से ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा बोला तो आप क्या होगा, उससे बच जाओगे। तो यही करता है आपका जो प्लेटलेट्स होता है, थ्रम्बोसाइट क्या होता है बाबू, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है ना। तो जो प्लेटलेट्स का बाबू संख्या होता है बाबू कितना होता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास में होता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में वो जो प्लेटलेट्स होते हैं 1 mm³ में, जैसे WBC बताए थे उसके काउंटिंग कितने होते हैं, 6 से 8, 1,000 है ना, 6,000 से 8,000 के आसपास में होता है ना, 1 मीटर में, मिलीमीटर, याद रखना। WBC का कल बताया था ना बाबू, 1 mm³ ले लो है ना, थोड़ा सा ले लो, उसमें बाबू WBC कितना रहेगा, 6 से 8,000 रहेगा। RBVC कितना रहेगा बाबू, है ना, मेल है बाबू तो 5 से 5.5 मिलियन, 5 से 5.0 मिलियन, है ना। प्लेटलेट्स कितना होते हैं बाबू, लाख में होते, सबसे ज्यादा क्या होता है आपका, RBC होता है। 1 mm³ बाबू अगर आप ये ब्लड ले लेते हो तो सबसे ज्यादा RBC कितना, 5 से, है ना, 5 से 5.5, 5 से 5.5 मिलियन होते हैं। सबसे कम होगा WBC, 6 से 8 हजार रहेगा। अब बीच में आपका प्लेटलेट्स होता कितना होता है, 1.5 से 3 लाख के बीच में होता है ना। हाँ सर, अब यही जब वो आपके बॉडी से बाबू प्लेटलेट्स अगर घट गया, समझना, अब यहाँ पे समझना, जैसे मान लो प्लेटलेट्स किसी को डेंगू हो जाता, तो डेंगू अगर हो जाता बहुत तो उसका प्लेटलेट्स क्या होता है, घट जाता है। अब प्लेटलेट्स घट गया वो मान लो घट के बाबू 20,000 आ गया, प्लेटलेट्स अगर घट के बाबू मान लो 10,000 20,000 आ गया, है ना। तो जैसे बाबू अगर आप 10,000 20,000 आ जाएगा, मतलब बाबू जैसे अगर आपका कहीं बाबू है ना, संत सुनना, कहीं बाहर कट लग गया, आपके बॉडी में प्लेटलेट्स है नहीं, तो वो क्या होगा भोला, है ना बाबू, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, तो आपके बॉडी से ब्लड क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, है ना।
और वही बाबू कारण होता भूला, है ना। प्लेटलेट्स बाबू अगर कम हो जाता बाबू तो आपको क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, याद रखना, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहेंगे। अगर प्लेटलेट्स की संख्या घट जाता है भोला तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहेंगे सर, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहेंगे। बायोलॉजी में वर्ड मीनिंग आपको थोड़ा बड़ा बड़ा आता, अभी तो कुछ नहीं है। 10th में जाओगे थोड़ा बड़ा, 11th 12th में जाओगे तो और बड़ा बड़ा वर्ड मीनिंग आएगा। तो उसकी तैयारी अभी से थोड़ा थोड़ा वर्ड मीनिंग सीखते चलना, है ना। तो प्लेटलेट्स अगर आपके बॉडी में घट जाता है तो कौन सा बीमारी हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना, है ना। ठीक, याद करते चलना। ए इस वीडियो ऑन करो जी, या गणेश बाबू डेंगू हो गया फिर से जी, गणेश नहीं शैतान। सर, नहीं सर, हाँ तो बैकग्राउंड हटाओ जी, शैतान बैकग्राउंड लगे ले रहता। तो यही होता बाबू। अब देखो मान लो प्लेटलेट्स ज्यादा घट गया, है ना बाबू, जैसे 10,000 आ गया, किसी किसी का प्लेटलेट्स है ना बाबू 1.5 लाख, मैंने 2 लाख है नॉर्मल। अब मान लो बाबू 10,000 आ गया, 8,000 आ गया, तो ब्लड के अंदर क्या होगा, आप शांति समझना, है ना बाबू। आपके बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा, अब ब्लड फ्लो हो रहा है भोला, अब मान लो बाबू किसी कारणवश बाबू, है ना, उसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग। आप लोग नाम सुने होंगे, बॉडी के अंदर बाबू अगर बाबू ब्लड का ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। किसी कारणवश मान लो कोई नस वगैरह फट गया वो अंदर, है कैसे ना। होता है? अरे काहे नहीं हो सकता बाबू, मान लो प्लेटलेट्स वगैरह घट गया बाबू, या कोई इंजरी हो गया या कोई डिजीज हो गया, तो मान लो इंटरनल ब्लीडिंग हो गया। अब इंटरनल ब्लीडिंग होगा भोला, और इंटरनल ब्लीडिंग में मान लो आपका प्लेटलेट्स घट गया, जनरली बाबू जो पेशेंट को डेंगू होता है ना भोला, अगर उसका ज्यादा प्लेटलेट्स डाउन होता बाबू तो अंदर नाक से जो कमजोर वाला वेसल्स है उससे क्या होगा, ब्लीडिंग होने लगेगा, है ना। और जैसे ब्लीडिंग होने लगेगा बाबू, अब प्लेटलेट्स घटा हुआ तो वो बाबू आपको फिर क्या हो जाएगा, एक मैंने समझे ना बाबू, उसको फिर कंट्रोल करना दिक्कत हो जाता, फिर पेशेंट का सर क्या हो मेरे जाएगा, भाई को भी है, पर वो रुक जाता है ब्लीडिंग हालांकि, लाइफ है में। ना बाबू। तो अगर ज्यादा प्लेटलेट्स घटा हुआ मतलब क्या हो गया सर, थ्रोम्बोसाइट घट गया, थ्रोम्बोसाइट घट गया वो मतलब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अब ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा वो मतलब ब्लड हमेशा क्या करेगा, फ्लो होते रहेगा। और ज्यादा ब्लड फ्लो होगा बाबू तो फिर RIP हो जाओगे, है ना। तो इसीलिए आपको बाबू खाते पीते हैं ना मजबूत रखना, प्लेटलेट्स को मेंटेन करके रखना। तो डेंगू में जनरली यही प्लेटलेट्स ही घट जाते हैं। डेंगू जो होता, हाँ बाबू, डेंगू जो होता है बाबू उसमें क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स डाउन हो जाता। अब प्लेटलेट्स डाउन हो जाएगा तो फिर ब्लड क्लॉटिंग वगैरह नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा इंटरनल बोलते। अरे ब्लीडिंग कैसे होती है? शैतान, इंटरनल ब्लीडिंग नहीं हो सकता कभी बाबू, आप लोग नाम नहीं सुने जी। कभी आप बाबू हाई पहाड़ पे जाओ तो जो हमारा नोज का वेसल्स है वो क्या बहुत डिलिकेट है। अरे हाथ वाला वेसल्स यहाँ वाला मजबूत है बाबू, आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना। नाक वाला वेसल्स देखना है अंदर में, नाक के अंदर थोड़ा सा जो आपका ब्लड वेसल्स है वो बहुत क्या है, कमजोर है। आप कमजोर है बाबू, जैसे हाई पे जाओगे बाबू तो बाहर का प्रेशर घट जाता है, अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा तो आपको क्या होगा बाबू, नोज ब्लीडिंग बोला होना लगेगा। अगर उसी समय भोला आपको बाबू अगर प्लेटलेट्स कम कम रहे बॉडी में तो फिर जो ब्लीडिंग हो रहा है ना बाबू वो क्लॉटिंग नहीं होगा। क्लॉटिंग नहीं होगा तो हमेशा नाक से बाबू, है ना, ब्लीडिंग होते सर रहेगा, है ना। सर तो जिसको इंटरनल डेंगू ब्लीड, होता है, अगर उसका ब्लड मतलब थोड़ा सा अगर कट लग गया तो उसका लगातार ब्लीडिंग ही होता रहेगा। अरे बाबू अब वो प्लेटलेट्स पे डिपेंड कर रहा है बाबू, मान लो प्लेटलेट्स एकदम घटा हुआ है तो उसका क्लॉटिंग होगा, बहुत देर से क्लॉटिंग होगा। फिर डॉक्टर जाके बाबू उसको सिरिंज वगैरह, है ना, बंद, है ना, बॉन्ड वोड करेगा भोला, है ना। ठीक, तो अगर बाबू प्लेटलेट जनरली अभी आप लोग को बाबू कट लगेगा, कहीं खेल रहे हो बाबू हाथ कट गया भोला, अभी आपको थोड़ा देर इसको क्या कर दाब के रखोगे, और दाब के रखोगे बाबू तो क्या होगा, थोड़ा देर के बाद क्या होगा आपका बाबू ब्लड क्या होगा, बाहर निकलना बंद हो जाता है ना, क्योंकि आपके भी आपके बॉडी में क्या है, प्लेटलेट्स नॉर्मल है। वही घट जाएगा बाबू तो देर से क्लोटिंग होगा, जितना ज्यादा घटेगा उतना ज्यादा देर से क्लोटिंग होगा, है ना, देर से, और जितना घटेगा और देर से क्लोटिंग होगा। फिर बाबू कभी कभी देखिएगा कोई आदमी चापता बाबू ब्लड बाबू, आ निकलते रहता, हटाता निकलते रहता, है ना। ठीक, नेक्स्ट बोला, अब ये सर बाबू अगर ब्लड नाक से क्लोटिंग का निकलेगा तो फिर कुछ डॉक्टर कर पाएंगे? नाक से निकलता बाबू तो थोड़ा देर के बाद आपका बाबू, है ना, ये नॉर्मल हो जाता है, सर नहीं तो क्योंकि फिर मेरे डॉक्टर। भाई का हमेशा निकलते रहता है नाक से, पता नहीं क्यों। ठीक अच्छा ठीक है, तो बाकी विशेष जानकारी के लिए वो है, डॉक्टर क्या से कर, होती है व्हाइट क्या बाबू प्लेटलेट्स? व्हाइट कलर की होती है ना? अब इसका कलर बाबू, इसका कलर वलर का कहीं है नहीं बोला, प्लेटलेट्स आपका किस कलर का होता है, जनरली बाबू ये व्हाइट उट नहीं होता, WBC व्हाइट होता है, इसका कलरलेस ही इसको कहेंगे। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी बोला आगे बाबू, कलरलेस था ना? वो हाँ वो भी कलरलेस है, ये भी कलरलेस ही है बोला। आगे समझना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, इसको याद रखना, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या बाबू, कोगुलेशन ऑफ ब्लड को इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड क्लोटिंग कहेंगे, है ना।
जैसे आप लोग का कैसे तीन नाम चार नाम प्लाक छे है ना, तो वही बाबू ब्लड को थक्का जमना को ब्लड क्लोटिंग कहेंगे, कोगुलेशन कहेंगे, या कल लिखा है तो बाबू हेमोस्टेसिस कहेंगे। सारे का मतलब वही होता है, ब्लड क्लोटिंग होता है ना, मतलब ब्लड को बाहर निकलने से रोकना। अब होता कैसे है सर, इसको समझना है ना। तो देखो ब्लड क्लोटिंग में क्या क्या होता है बाबू, तीन चार स्टेप्स इन्वॉल्व है। क्या बाबू, तीन चार स्टेप्स इन्वॉल्व है ना, ठीक। ब्लड क्लोटिंग में मेरा क्या बाबू, तीन चार स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ना। आओ प्लेटलेट्स बाबू कौन सा बोला, देखो छोटा सा एक वीडियो बोला कट वाला बाबू कहाँ है जी, और कहीं बोला, देखिए समझिए बोला। तो हाँ देखो होता क्या चीज है समझना। देखो प्लेटलेट्स में बाबू हमारे तीन चार स्टेप, पहले होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट को ही क्या कहते हैं प्लेटलेट्स कहते हैं। मान लो आपके हाथ में कट लग गया, अब कट लग गया तो क्या क्या तुरंत एकदम फटाफट क्या हमारे हाथ मैकेनिज्म, में ही तो कट लगवा रहे बारे बारे। हल्ला हल्ला नहीं है ठीक है ना। मान लो बाबू आपके प्रिंसिपल के हाथ में, जैसे वीडियो ऑन करो जी, जैसे मान लो बाबू प्रिंसिपल ओके के हाथ सर, में कट लग प्रिंसिपल के गया, पीछे हल्ला नहीं, तो देखो फटाफट कौन सा मैकेनिज्म होगा। जैसे ही कट लगे बाबू तो आपके ब्लड में बाबू क्या कर रहा है, बाबू आपके ब्लड में क्या बोला, आरबीसी भी है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है। मान लो ब्लड एकदम दौड़ रहा और कट लग गया, तो कट लग गया बाबू, तो जैसे बाबू आपका जैसे कट लगा तुरंत बाबू, जैसे कट लगेगा तो कहाँ जाएगा, हवा जाएगा, ऐसे सेंटर, जैसे कट लगे बाबू आपके ब्लड के अंदर क्या जाएगा, एयर जाएगा, और जैसे एयर जाएगा बाबू तो जो थ्रम्बोसाइट है बाबू एयर से रिएक्शन, अच्छा ठीक है, थ्रम्बोसाइट क्या करेगा, एयर से बाबू रिएक्शन करके क्या बना देगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा आपका। बाबू ये प्रोसेस याद रखना, कट लगा हवा कॉन्टेक्ट में आया आपके अंदर बाबू, डब्ल्यूबीसी है ना, डब्ल्यूबीसी है ना, तो नॉर्मली एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं, जैसे कट लगेगा एयर कॉन्टेक्ट में आएगा, एयर कॉन्टेक्ट में आएगा बाबू तो जो थ्रम्बोसाइट्स है, जो प्लेटलेट्स है, हवा से बाबू कंबाइन होकर क्या बना देगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा है ना। अब यह थ्रम्बोप्लास्टिन क्या करे बाबू, आपके बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्या है, कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है ना, कैल्शियम प्रेजेंट है, और क्या है थ्रोम्बिन है, उसको एक्टिवेट करके क्या बनाएगा, थ्रोम्बिन बनाएगा, और ये थ्रोम्बिन बाबू आपका बाबू फाइब्रोजेन से रिएक्शन करके फाइब्रिन बनाएगा। अब फाइब्रिन कैसा होता है, जाली जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, फाइब्रिन क्या होगा बाबू, ये जाली जैसा इस तरह से स्ट्रक्चर्स। सारे वर्ड अच्छा ठीक है, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, बाकी कोई उसमें नहीं ज्यादा है, फर्स्ट टाइम में आपको थोड़ा सा ये होगा बाबू, एक दो बार पढ़िएगा तो आपको ध्यान में हो जाएगा। देखो बोला है क्यों ना, हम बार बार वीडियो बीच में बंद कर देते हो वीडियो काम बंद किए हैं जी, बोलो सर? जब चालू होता है तब बंद कर देते हो बाबू प्लाक्षी। सर? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन सब्सटेंस होता है क्या ब्लड में प्रेजेंट जो होते हैं? ये सब सारे के सारे ब्लड में रहते हैं। अरे भोला जैसे मान लो बाबू, मान लो आपके घर में है भोला, अब घर में बाबू आपके घर में मान लो चोर घुस गया, तो चोर घुस गया बाबू तो जल्दी से आप उठिएगा, अब आप उठिएगा बाबू तो आपको तो हिम्मत है नहीं भोला, तो मम्मी पापा जी उठा उठा चोर आ गया, तो वैसी बात यहाँ भी होता है, सारे का सारे चीज अंदर हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। अब पापा जिस बाबू कंट्रोल नहीं होगा तो फोन लगाएगा, मेरे घर में चोर आ गया, तो उन्हें से पुलिस वाला आएगा है ना, तो वही बात यहाँ भी होता है, शांति से समझना। ये कहाँ हम लोग पहुंचे बाबू, ब्लड वेसल के अंदर है। अब ब्लड वेसल के अंदर बाबू तो ये जो ये रेड वाला दिख रहा है, ये कौन है क्या बाबू, रेड वाला जो टेबलेट स्ट्रक्चर है क्या बाबू, गणेश आज क्या बाबू, ये रेड वाला जो नहीं, गोला अभी सर आरबीसी है क्या, आरबीसी है ठीक। अब रेड देखो ब्लड हालांकि सेल, ये व्हाइट ब्लड सेल है। यहाँ पे बाबू थोड़ा सा कट लगा हुआ है, यहाँ ये ब्लड वेसल्स है क्या, हम लोग कहाँ घुसे हुए हैं, ब्लड वेसल्स के अंदर। अब इसमें यहाँ पे बाबू थोड़ा सा पीछे करते देखिएगा है ना, थोड़ा सा इधर देखो बाबू, जो आपका लेयर है यहाँ पे देखो, देखो तुरंत कितना हाईली एक्टिवेट होता है, देखिए बोला ये हम लोग ब्लड वेसल्स हैं क्या बाबू, हाँ, तो यहाँ पे छोटा गैप दिख रहा है बाबू, मान लो आपका कट लग गया, आपके हाथ में कट लग गया, दिख रहा है यहाँ गैप जी, दिख रहा बाबू प्लास्टिक नहीं दिख रहा जी, यस सर, क्लियर दिख रहा है। हाँ, अब ये कट लग गया बाबू, तो जो भी आरबीसी है डब्ल्यूबीसी सारा उधर निकल लेगा, मान लो यहाँ से हाथ में कट लग गया, जैसे कट लग गया बाबू, मान लो आपके घर में चोरी चोर घुस गया, तो फटाक से नहीं एक्टिवेट हो गए, पहले आप एक्टिवेट हो गए, आपका नींद टूटेगा, फिर आप पापा को उठाओगे, पापा पुलिस को उठाएंगे है ना बाबू, है ना, फटाफट बाबू क्या होगा, आक्रमण होगा, तो ये रिएक्शन बहुत तेजी से होता, जैसे हाथ में कट लगा है ना, तो ब्लड यहाँ से आरबीसी बाहर जा रहा है, सारा का सारा ब्लड बाहर जा रहा है,
और इसी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर ही आपका क्या बाबू, ब्लड में आपका WBC है, प्लेटलेट सारा है। तो जैसे बाबू अब यहां से कट लग गया तो हवा आएगा, हवा जैसे आएगा बाबू तो जो प्लेटलेट है एक्टिव हो जाएगा। जैसे हवा के कॉन्टेक्ट में आया, ऐसे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स है वो सुतल है, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। जैसे उसको हवा मिलेगा ये एक्टिव हो जाएगा। कैसे आपके घर में अभी बाबू सुतल हो, चोर आएगा तुरंत एक्टिव हो जाएगा, तो वही बात है। ये जैसे हवा आएगा प्लेटलेट्स क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। और जैसे प्लेटलेट्स एयर एक्टिव हो जाएगा मतलब थ्रम्बोसाइट, प्लेटलेट्स को क्या कहेंगे थ्रम्बोसाइट। अब ये थ्रम्बोसाइट हवा से रिएक्शन करके क्या बना देगा बाबू, थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा। क्या बना देगा, थ्रम्बोप्लास्टिन। अब जैसे थ्रम्बोप्लास्टिन बन गया है ना बाबू, ये थ्रम्बोप्लास्टिन बनेगा और ब्लड के अंदर हमारे पास क्या है, कैल्शियम वगैरह सारे का सारे क्या, कैल्शियम भी प्रेजेंट है और भी बहुत सारे सबस्टांस है। तो अब ये बहुत थ्रोम्बोसाइट बहुत जो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा वो कैल्शियम से रिएक्शन करके क्या करेगा, फाइब्रोजीन बनाएगा। मतलब यहाँ पे बहुत सारे का सारे बहुत क्या होगा, जो भी प्लेटलेट देखो आके यहाँ क्या होगा, इस तरह से जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बनाएगा। समझ में आ सर, ये रहा है आपको, व्हाइट ब्लड सेल है क्या, जाली जैसे, जो कीड़े जैसे लग रहे प्लेटलेट्स हैं? है नहीं, ये आपका बहुत थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स है। सारे प्लेटलेट्स आके बाबू यहाँ पे क्या हो गया है ना, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा, और इस होल को क्या करेगा, बंद कर देगा। सारा प्लेटलेट्स आ रहा है, आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से, आ जाओ इधर से, आ जाओ, सारे प्लेटलेट्स को बुला दिया। सिग्नल बाबू ये सब जो भी सिग्नल होते हैं बहुत फास्ट होते हैं। मान लो बहुत सारा डकैत आ गया तो पुलिस वाला आएगा, दरोगा आएगा, ई आएगा, वो आएगा, सब आ जाएगा। तो वही बात है, कट लगा बहुत सारे एक्स्ट्रा फोर्स, प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स आए, सारे प्लेटलेट्स आपस में ज्वाइन हो गए और यहाँ पे क्या करेगा, जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना देगा। और जैसे जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना देगा, और आरबीसी का क्या होता है, सेफ होता है, आरबीसी का एक डेफिनेट सेफ होता है। अब इस जाली से बाबू क्या होगा, आरबीसी पार नहीं होगा। अब आरबीसी नहीं पार होगा बाबू तो आपका ब्लड क्या हो गया, रुक गया, आपका ब्लड क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो फिर रुक गया बाबू तो फिर वही बल्ले बल्ले है ना, ठीक है ना। तो देखो बाबू देखो किस तरह से बाबू, देखो सारा सारा प्लेटलेट्स क्या कर रहा है, सारा थ्रोम्बोसाइट क्या हो रहा है, इस तरह से जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना रहा है। 2 सेकंड का वीडियो देखो, शांति से देखना। अभी देखो गैप है ना जी, अभी देखो गैप है वो पलाक्षी है ना, शांति समझते चलना। सर अभी शुरू से गैप है, मिठाई सर, जहां पे सर पूरा कट लगा, फिर धीरे धीरे सर भरते हैं। मोर ऑप्शन बस स्केल है जी, स्लो मोशन वाला नहीं है इसमें जी, मोर ऑप्शन ऑडियो ट्रैक रिपीट वीडियो इन्फो पिक्चर साउंड ये क्या दिया जी, प्ले प्रोग्रेस नहीं है, चलो ठीक है स्लो मोशन नहीं दिया इसमें। देखो आराम से देखे, इधर देखिए कट लगा, इधर क्या लगा, कट लगा, ब्लड दौड़ रहा था, क्या कर रहा था, ए गणेश वीडियो ऑन करो जी, इसका भी बहुत दिन खराब हो रहा है, गणेश का शैतान पढ़ता लिखता नहीं है। अब ये कट लगा बहुत तो सारे बाबू एयर से बाबू रिएक्शन करके प्लेटलेट सारे एक्टिव हो जाएंगे। देखो सारा का सारा प्लेटलेट आके चिपक रहा है। अब जैसे चिपक रहा है, जो कट लगा हुआ था बाबू उसको क्या कर दिया है ना, घेर दिया उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक कर दिया बाबू तो आपका जो आरबीसी WBC क्या था, बाहर नहीं निकला। तो यही जो बाबू प्लेटलेट्स मिलकर बाबू आपस में घेर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे बोला, ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे है ना। अब इसमें रिएक्शन कौन कौन इन्वॉल्व है, स्टेप्स आपको इन्वॉल्व ये याद रखना, पहले थ्रम्बोसाइट है, ये जो प्लेटलेट इसको थ्रम्बोसाइट कहेंगे ठीक सर। थ्रम्बोसाइट हवा आएगा, कौन आएगा बोला, हवा आएगा, कटेगा तो हवा तो जेबे करेगा, हवा जाएगा बोला, तो ये थ्रम्बोसाइट वो एयर से रिएक्शन करके क्या बना देगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बना देगा। आपका क्या बनाएगा, थ्रम्बोप्लास्टिन बनाएगा। अब ये जो थ्रम्बोप्लास्टिन बना बोला, अंदर में ब्लड में क्या है, कैल्शियम वगैरह प्रेजेंट है, ब्लड में क्या है, कैल्शियम प्रेजेंट है। तो थ्रम्बोप्लास्टिन बाबू कैल्शियम से रिएक्शन करके बोला, कंबाइन होकर सारे के सारे हमारे क्या ब्लड के अंदर ही है, जो भी सब ब्लड के अंदर है। तो थ्रम्बोप्लास्टिन बाबू कैल्शियम से रिएक्शन करके बोला थ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन बाबू फाइब्रोजिन, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा आपका बाबू, फाइब्रोजिन से रिएक्शन करके फाइब्रिन बनाएगा। और यही जो फाइब्रिन वो आपको क्या करेगा है ना, ये इस तरह से जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बनाएगा। और इसके बाद क्या होगा, वो आरबीसी बाहर नहीं जाएगा। तो ये यही प्रोसेस आपका क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब यहाँ पे समझना है ना, अब यहाँ पे समझने की बात है, हाला नहीं ये बाबू ब्लड क्लॉटिंग में हमको कौन ये थी कर रहा बाबू, हाला नहीं अब समझो बाबू, डॉक्टर को आप लोग बाबू सिरिंज देते हुए देखे होंगे तो हवा क्यों निकालता है, डॉक्टर को भोला आप लोग सुइया देते हुए देखे हो जी सारे बच्चे बाबू है ना, तो सर, वो सर ठोक ठोक के हवा को ऊपर करके सर सर थोड़ा सा दबाता है और सर सारी हवा को बाहर कर देता है। हल्ला नहीं
देखो वो क्या है, अब डॉक्टर की कहानी सुनो। डॉक्टर आपको अगर सिरिंज देता है, बोला तो देखना इसे थोड़ा सा दो बूंद करके हवा निकालेगा। क्यों निकालता? अगर बाबू इसमें एयर रह गया, शांति समझना, मेरा प्लेटलेट्स क्या करता है? बोला ब्लड क्लॉटिंग करता है। अब शांत, अब मन में डाउट आ रहा है क्या सर? तो ब्लड के बाबू जो ब्लड वेसल्स है उसके अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, तो जब ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेटलेट प्रेजेंट है बोला तो अंदर में ब्लड काहे नहीं जम जाता है ना? तो अंदर में बाबू ब्लड वेसल के अंदर बाबू प्लेटलेट्स नहीं जमते बोला, क्योंकि बाबू एक हमारा बाबू एंटी कोगुलेटिंग सबस्टांस होता है जिसको हेपरिन कहेंगे, याद रखना हेपरिन होता है बोला। सुनिए इन बाबू क्या ब्लड को बाबू आप, हेपरिन क्या करता सुनिए है? ब्लड को बाबू क्लॉटिंग करे से रोकता है। हेपरिन आपका क्या करेगा बाबू? ब्लड को माने थक्का जमने से रोकेगा। तो मेरा बोलो ब्लड में क्या क्या बाबू? ब्लड वेसल में क्या वाला होता बाबू? आपका ब्लड के अंदर क्या होता है बाबू? आपका क्या होता है बोला? ये कल निकालो फिर मारो। गुड यही सब सही था, नहीं पढ़े देगा। इवनिंग सर, माल निकाल फिर 12:30 नोट की मैचिंग करेगा फिर मिलेगा बेटा। निकल गया। गुड इवनिंग सर। सबको म्यूट करेंगे तभी सब पढ़े देगा। देखो बोला, तो जो बाबू मेरा ये होता बोला, आपका बाबू मन में ख्याल आ रहा है सर कि जो बाबू ब्लड क्लॉटिंग होता है तो प्लेटलेट्स तो बाबू ब्लड वेसल के अंदर प्रेजेंट है, तो अंदर में काहे नहीं ब्लड जम जाता? अंदर में बाबू ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं जमता बाबू, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या होता है, एक हेपरिन नामक सबस्टांस होता है, हेपरिन याद रखना, जो क्या करता है बाबू ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ है ना बाबू? अब जैसे बाबू ब्लड बाबू है ना, जैसे कट लगता है तो हेपरिन एक ऐसा सबस्टांस बाबू, जैसे उसको हवा मिलेगा ना तो हेपरिन क्या होगा, मर जाता है। माने हेपरिन जो सेल्स है बाबू, जो ब्लड सबस्टांस है बोला, हवा के प्रेजेंस में वो एक्टिव नहीं होता, और हवा के एब्सेंस में वो क्या होता, एक्टिव होता है। शांति से समझते चलना। तो अंदर में क्या आपका हेपरिन है जो ब्लड को क्या करेगा, जमने नहीं देगा। और जैसे एयर के प्रेजेंस में आएगा तो हेपरिन क्या होता है ना, डीएक्टिवेट हो जाता है। अब समझो, अगर बाबू हवा जैसी मिलेगा तो हेपरिन क्या करेगा, ब्लड के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर आपको कट लग गया, मान लो कट नहीं लगा, और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है आपका, हेपरिन है, तो हेपरिन को ऑक्सीजन मिलेगा ना, हवा मिलेगा तभी जमेगा, बात समझना। हेपरिन ऐसा सबस्टांस बाबू ब्लड को जमने से बाबू क्या करता है, ब्लड को जमने से रोकता है। ठीक है ना, शांति समझना है ना। अब बाबू आपको डॉक्टर दिया सुइया, डॉक्टर दिया सुइया, तो देखो बाबू दो बूंद निकालेगा, अगर नहीं निकालेगा तो इसमें एयर भरेगा। अब एयर भरेगा बाबू, अगर आपको दे दिया तो जैसे बाबू एयर बाबू है ना, एयर बोला आपके नस में चल जाएगा, ब्लड वेसल्स में चल जाएगा, और जैसे एयर आपके ब्लड वेसल्स में चल गया बोला तो अंदर में क्या हेपरिन है, और जैसे हेपरिन को हवा मिलेगा तो क्या करेगा बोला, हेपरिन को एयर मिलेगा तो वो काम करना बंद कर देगा, और जैसे हेपरिन काम करना बंद कर दिया बाबू, तो जो भी अंदर में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो सारा का सारा अंदर में क्या होगा, ब्लड क्या होगा, जम जाएगा। और जैसे बाबू आपके अंदर बाबू ब्लड जम जाएगा बोला, आप लोग देखते होंगे बोला, आप लोग को जब सुइया पड़ता है, आप लोग को जब सुइया पड़ता है बोला, सिरिंज पड़ता है ना बाबू, तो थोड़ा देर के बाद देखिएगा यहाँ टाइट हो जाता है ना बाबू, नहीं देखते बाबू एकदम, अगर बाबू हवा निकाल के नहीं देते ना बाबू सिरिंज है ना, तो आपको क्या होगा यहाँ पे बाबू एकदम टाइट हो जाएगा, यहाँ का मसल्स क्या होगा, जाम जाए है ना, हार्ड हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि हवा चल गया आपके बाबू ब्लड वेसल्स में, एयर चल गया बाबू, तो जो ब्लड हेपरिन था वो क्या कर था बाबू, ब्लड को बाबू फ्लो करने में मदद कर रहा था। अब हेपरिन हवा जाएगा तो हेपरिन मर जाता, जैसे हेपरिन मर गया भोला तो आपके ब्लड वेसल्स को क्या करेगा बाबू, ब्लड को है ना ये क्लोट कर देगा, ब्लड वेसल्स के अंदर ही ब्लड को जाम कर देगा, और जैसे ब्लड जाम कर देगा बाबू तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स है आपको हार्ड फील होगा, क्या होगा, हार्ड फील होगा है ना आपको बाबू हार्ड, तो फिर डॉक्टर क्या बोलेगा, जाके इसको गर्म पानी से क्या करो, मालिश करो है ना बोला। तो इसीलिए बोला आप लोग को जब भी बाबू सिरिंज वगैरह दिया जाता है ना, तो थोड़ा सा बोला निकाल के दिया जाता, नहीं तो एयर में अगर सिरिंज में रह गया और वो हवा कहाँ चल गया, आपके ब्लड वेसल में, और जैसे हवा आपके ब्लड वेसल में चल जाएगा बोला तो हेपरिन काम करना बंद कर देगा, और हेपरिन का काम क्या है सर, ब्लड को थक्का जमने से रोकना है ना ब्लड वेसल के अंदर, तो अंदर ब्लड वेसल के अंदर तो हेपरिन खत्म हो गया हवा से, तो अब ये अंदर का जो भी ब्लड है वो क्या हो जाएगा, थक्का जम जाएगा, मतलब ब्लड वेसल के अंदर क्या होगा, थक्का जम जाएगा है ना। तो ये बाबू आपको क्या होता है, सिरिंज वगैरह से हम लोग हवा निकाल के देते हैं ना। ठीक, तो ये याद रखना, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस आपको याद रखना, क्या करना याद रखना। देखो बाबू कैसे होता, सारे का सारे क्या किया, ये थ्रोम्बोसाइट क्या किया बाबू, यहाँ पे बाबू चिपक गया, जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बनाया ना जी, कैसा स्ट्रक्चर्स बना दिया,
जाली जैसा स्ट्रक्चर्स बना दिया, दिख रहा है। अब यही जाली जैसा स्ट्रक्चर्स में क्या होगा, आपका वो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, है ना। तो यही मेरा क्या था बाबू, ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस था, है ना। ठीक बोला, है ना। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, बोला नहीं आया तो एक बार फिर से शांति से सुन लीजिएगा। एक स्टेप इसमें और है, एक लाइन लिख लो, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप बाबू, एक लाइन लिख लो। बोला मेरा ये क्या करेगा, थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजिन मिलकर फाइब्रिन बनाएगा। अब यही फाइब्रिन में बोला, यही जो फाइब्रिन बनेगा बोला, एक स्टेप इसमें लास्ट वाला लिख लो, फोर्थ नंबर। फाइब्रिन जो बना बोला, ये इसमें क्या होगा आपका बाबू, जो WBC होगा है ना, या जो RBC होगा, वो क्या होगा जाके इसमें फंस जाएगा। फाइब्रिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर्स होता, ऐसे जाली जैसा स्ट्रक्चर्स होता है ना। अभी ये फाइब्रिन बन गया, अभी देखा है ना बाबू, इसी फाइब्रिन में WBC RBC जो भी सेल्स है जाके फंस जाएगा। अब फंस जाएगा बाबू तो बाहर नहीं निकलेगा, तो इसी को क्या कहेंगे बाबू, ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लड क्लॉटिंग कहेंगे। तो ये बाबू जितना सिंपल से होना समझाना था हम आपको समझा दिए, बाकी आप वीडियो वगैरह देखिएगा तो आधा चीज आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। फाइब्रिन जो बोला बाबू, जाली जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करेगा, यही जाली जैसा स्ट्रक्चर्स में WBC RBC जाके क्या हो गया, फंस गया। इसमें कौन फंस जाएगा, WBC RBC जाके फंस जाएगा, है ना बाबू, है ना। ये WBC RBC जाके क्या हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अब स्टक हो जाएगा तो बाबू जाली से बाहर नहीं निकलेगा, तो आपका ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ब्लड क्या हो जाएगा बोला, क्लॉट हो जाएगा, है ना। तो यही प्रोसेस क्या है बाबू, ब्लड क्लॉटिंग है। समझ गए प्लाची, नहीं समझे बोले तो एक बार वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। लास्ट स्टेप लिख लो, समझी प्लाची कि नहीं समझी बाबू। यस सर, समझ गई। हाँ बोला, तो क्या डॉक्टर हाँ, गणेश बाबू आपका कॉपी चेक होगा जी, गणेश शैतान एक कुछ भी नहीं लिखता, नहीं ना लिखते बाबू, सर, लिखता हूँ लिखते अभी सर, आपके कॉपी मम्मी चेक, सर कॉपी चेक कर दीजिए। आप करेंगे करेंगे, जो जो शैतान बच्चा बाबू पहले उसका हिसाब किताब किया जाएगा। एगो गणेश है ना। ठीक है बोला, आप लोग अब जिंदगी जी लो। गुड इवनिंग सर, गणेश गुड बोला, इवनिंग सर, बाय गुड सर। इवनिंग, सर जाओ जिंदगी वर्ड ऑफ द डे, गुड इवनिंग खा देंगे बोला। अभी बर्ड ऑफ द डे आज कुछ देखे ही नहीं बोला, खोजना पड़ता है ना जी।